तो दोस्तों, अगर आप भी कुछ ऐसी रेसिपी ढूंढ रहे हैं तो झटपट से बनकर तैयार हो जाए। और कुकर में एक सीटी के साथ इतनी टेस्टी आलू गोभी कभी आपने पहले बनाई है। अगर आपने नहीं बनाई है तो मेरी वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। आज आपको सारे टिप्स दूंगा दोस्तों, और झटपट से बनने के वाली ये गोभी की रेसिपी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, और वो भी कुकर में बनाएंगे। कुकर में गोभी बहुत ही टेस्टी बनती है। सारे टिप्स दूंगा, ना ही गोभी गलेगी और ना ही ज्यादा पकेगी, और बिल्कुल खड़ी खड़ी गोभी कुकर में कैसे बनाए, चलिए करते हैं स्टार्ट। तो हेलो दोस्तों, 7K किचन में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए आज बनाएंगे आलू गोभी की सब्जी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया गोभी। गोभी को अच्छे से छाफ कर लीजिएगा दोस्तों। बारिश का मौसम होता है, सर्दी का मौसम होता है, तो गोभी में थोड़े बहुत कीड़े आना शुरू हो जाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि गोभी को अच्छे से वॉश जरूर कर लीजिएगा और छोटे छोटे कीड़े उसमें से निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने दो आलू लिए हैं, और आलू को लंबे लंबे काट लेंगे। आप चाहें तो छोटे भी काट सकते हैं, पर आज मैंने बनाया लंबे वाले आलू। तो आलू को थोड़े लंबे और मोटे ही काटिएगा, क्योंकि हम सीटी दिलाएंगे इसको। सीटी दिलवाने में बिल्कुल घिर ना जाए, इसीलिए हम इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो चलिए, यहाँ पे मैंने आलू और गोभी को काट लिया है। तो यहाँ पे मैंने लिया है टमाटर, और टमाटर के साथ ये इतनी टेस्टी बनेगी ना गोभी, एक बार आपने रिश्तेदारों को या अपने घर वालों को खिला दी ना, तो सभी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो इस तरह से काटेंगे टमाटर। तो सबसे पहले हमें टमाटर काट लेने हैं। टमाटर काटने के बाद दोस्तों, हरी मिर्च ली है मैंने दो, और साथ ही में 1 इंच अदरक का टुकड़ा। और अदरक का इसमें अंदर फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। झटपट से रेसिपी कैसे बनाएं और किस तरह से बनती है, मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लाता रहूं। और मेरी रेसिपी दोस्तों झटपट से बनकर तैयार हो जाती है, जो घर में इतना आपको दिक्कत भी ना हो, कोई परेशानी भी ना हो, और झटपट से चीज बनकर तैयार हो जाए। तो यहां मैंने काट लिया है अदरक, और साथ में हरी मिर्च, साथ ही में टमाटर। तो चलिए, यहाँ पे हम कुकर को चढ़ा देते हैं और गैस को कर देते हैं ऑन। तो यहाँ पे डालेंगे हम सरसों का तेल। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया कि सरसों का तेल में ही आप सब्जी बनाया करिए सूखी, क्योंकि सूखी सब्जी का जो फ्लेवर आता है ना, वो सरसों के तेल में ही आता है। तो उसके लिए अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले सरसों के तेल को हीट पे लाना है, उसके बाद लो मीडियम करके फिर इसके अंदर हम तेज पत्ता और लाल मिर्च डालेंगे। ऐसे करने का कारण दोस्तों यही होता है कि इसका जो कड़वापन होता है ना, वो एकदम हीट पे आके निकल जाता है, और जो कहते हैं ना कि सब्जी में स्मेल आती है सरसों के तेल की, वो शिकायत आपकी दूर हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच डाल दी है जीरा। जीरा डालने के बाद दोस्तों इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे ये क्रैकल करेगा या तिड़केगा, अब इसके अंदर हम डालेंगे अदरक और कटी हुई हरी मिर्च। अदरक और हरी मिर्च को अच्छे से भूनने के बाद फिर इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर। और ये झटपट से बनने वाली रेसिपी दोस्तों मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी बनती है, और मेरे उन बैचलर भाइयों के लिए भी बहुत ही अच्छी रेसिपी है, जो अकेले रहते हैं और जो बिल्कुल कम समय में अच्छी चीज बनाना चाहते हैं। वो ये वीडियो को जरूर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो उनके लिए लाता रहूं, ताकि बहुत ही हेल्प हो उनके। तो चलिए, यहाँ पे मैंने अब इसके अंदर डाल दिया आलू गोभी। तो आलू गोभी डालने के बाद दोस्तों इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद 5 मिनट तक इसे अच्छे से भून लेंगे। भूनना बहुत जरूरी है, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि भूनने से ही आपकी सब्जी का स्वाद आएगा। जितना कि आप मसाले डालते रह जाएंगे ना, वो स्वाद नहीं दे पाएगा जितना स्वाद आपका ये भूनने वाला प्रोसेस देगा। तो बस इसे अच्छे से भून लेंगे, और भूनने के बाद दोस्तों मैं बताऊंगा इसके अंदर डालेंगे हम कुछ मसाले। और मसाले भी दोस्तों मैं लिमिटेड डालता हूँ, मेरी वीडियो आप देखेंगे ना, मैं बिल्कुल लिमिटेड मसाले डालता हूँ, और बिल्कुल कम मसालों में अधिक टेस्ट कैसे देना है वो मैं आपको वीडियो में बताता रहता हूँ हमेशा। तो चलिए, यहाँ पे मैं डालूंगा 1/2 चम्मच सबसे पहले तो लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद मैं यहाँ पे डालूंगा 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर, 1 चम्मच डालूंगा मैं यहाँ पे धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच डालूंगा मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर, और स्वाद अनुसार नमक। तो दोस्तों ये 4 से 5 मसाले होते हैं, और सब्जी को इतना अच्छा टेस्ट और इतना अच्छा फ्लेवर देंगे ना, अगर आप मेरी वीडियो को अंत तक बने रहेंगे, वीडियो पे अंत तक बने रहेंगे और सारे छोटे छोटे टिप्स देखेंगे ना, तो आपकी सब्जी, मैं कह रहा हूँ, बहुत ही टेस्टी बनेगी और झटपट से बनकर तैयार हो जाएगी। तो बस इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इस टाइम पे दोस्तों इसमें हल्का सा पानी जरूर डालेंगे, क्योंकि एक तो मसाले जले नहीं, दूसरा जो गोभी आलू हमने डाले हैं उसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाए, तो बस यही कारण होता है इस टाइम पे पानी डालने का। तो पानी दोस्तों ज्यादा नहीं डालना है, क्योंकि गोभी होती है तो गोभी दोस्तों 2 तरह की होती है। एक गोभी होती है सफेद, आप मार्केट में जाएंगे तो सफेद गोभी मिलेगी, और एक गोभी होती है पीली। अगर आप पीली गोभी लाएंगे ना, वो जल्दी भुर जाएगी, और जो सफेद गोभी होगी वो थोड़ी खड़ी गोभी होगी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए, इसके अंदर अच्छे से फ्राई करने के बाद इसके अंदर डाल दिया हमने कटा हुआ टमाटर। कटे हुए टमाटर डालने के बाद दोस्तों इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो बस इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, इसके साथ टमाटर के साथ इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो बस यहाँ पे भूनना है और 5 मिनट की रेसिपी होती है दोस्तों, तो मजा ही आ जाता है। अगर आप पूरी देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से इसका फ्लेवर दिया जाता है और किस तरह से इसे भूना जाता है और सब्जी में स्वाद किस तरह से आता है, ये सब सारे टिप्स आपको मैं बताता रहता हूँ। तो बस इसे कुछ नहीं करना, हाई फ्लेम पे इसे अच्छे से भून लेना है। तो भूनने के बाद इसके अंदर हम लगाएंगे सीटी, तो यहां पे इसे अच्छे से भूनेंगे, बस इस तरह से भूनते जाना है। तो दोस्तों 5 मिनट से 7 मिनट तो मैं इसे अच्छे से भून लेता हूँ। बस इस स्टेज पे अगर आपने भून लिया ना, तो मैं कह रहा हूँ आप गोभी जो भी आप सब्जी बनाएंगे ना, मेरे पास तो सब्जी का भंडार होता है, आप जो भी सब्जी बनाएंगे ना वो सब्जी बहुत ही टेस्टी बनेगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप एक बार अपने घर पे जरूर बना ट्राई करके बताइएगा, और बैचलर रह रहे हैं तो मेरी वीडियो को जरूर देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँ। तो बस 5 मिनट तक इसे अच्छे से फ्राई होने देंगे, और फ्राई होने के बाद अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए इसे मिक्स करने के बाद आप लगाएंगे इसमें कुकर में ढक्कन, और गैस का फ्लेम अभी हाई रखा हुआ है मैंने, बिल्कुल लो नहीं किया ना ही मीडियम किया। तो बस यहाँ पे लगा दिया मैंने कुकर, तो कुकर में अब कैसे सीटी लगानी है, तो सीटी जैसे ही आपके उठने लगे ना दोस्तों, ये देखिए गैस का बंद कर दीजिए फ्लेम, बस इसमें जैसे भाप बने, जैसे आपको लगे कि बस अब सीटी उठेगी, और उसको उसी वक्त बंद कर दीजिए, और बिल्कुल स्टीम पे रहने दीजिएगा, बिल्कुल मत खोलिएगा जब तक ये ठंडी नहीं हो जाती। तो जब ये ठंडी होगी तो मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। तो बस 5 मिनट का रेस्ट देने के बाद दोस्तों इसको अच्छे से देखिए, अब हम खोल के दिखाएंगे। तो ये देखिए गोभी की रंगत देखिए दोस्तों, बनकर तैयार हो गई है, बहुत ही टेस्टी बहुत ही यमी सी गोभी, और ना ही गोभी ज्यादा गली है और ना ही कच्ची रही है। ये दो पॉइंट जो है ना दोस्तों बहुत जरूरी है, कि गोभी गलनी भी चाहिए और कच्ची भी नहीं रहनी चाहिए, और खड़ी खड़ी भी होनी चाहिए। तो गोभी के अंदर बनाने का कुकर के अंदर यही एक टिप्स होते हैं कि अगर आप सीटी जैसे ही आने लगे आप उसको बंद कर दीजिए, उठने मत दीजिए सीटी को। अगर आपकी सीटी उठ गई तो फिर आपकी गोभी अंदर से गल जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप खड़ी खड़ी गोभी बनाना चाहते हैं और कुकर में बनाना चाहते हैं झटपट से, तो ये टिप्स जरूर अपनाइएगा जो मैंने आपको दिया है। तो चलिए हरी धनिया के साथ इसे गार्निश करते हैं, और हरा धनिया तो इतना सस्ता हो गया ना दोस्तों, मार्केट में गया था तो 5 रुपए का इतना सारा हरा धनिया मिल गया था ना, और मैं तो इसके अंदर हरा धनिया बहुत ही डालूंगा, क्योंकि धनिया से जो इसका फ्लेवर आता है ना गोभी का, एक बार आप बना के देखिए दोस्तों सभी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। सभी बैचलर भाई के लिए मैं इसलिए लेके आता हूँ ताकि वो भी थोड़ा बहुत खाना घर में बना सकें, बाहर का बार बार खाकर समझ नहीं आता, तो इसलिए घर पे भी थोड़ा बनाइए और खाइए और इंजॉय कीजिए। तो चलिए करते हैं इसे सर्व, इसको पूरी पराठे के साथ जरूर सर्व कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो देखिए बनकर तैयार है बहुत ही टेस्टी यमी सी आलू गोभी की रेसिपी, और इतनी झटपट से कुकर में किस तरह से आलू गोभी बनती है ये मैंने आज आपको बताया। तो ये टिप्स अगर आप अपनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी बनेगी दोस्तों। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा काम दोस्तों बस यही रहना है कि आपके पास अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूं, ताकि आप कम समय में अच्छी चीज कैसे बनाए, वही मेरा मोटिव रहता है, कि सभी को मैं यही सिखा सकूं कि कम समय में अच्छी अच्छी चीजें कैसी बनाई जाती हैं। लोगों के घर में गोभी तो बनती ही है, मेरे इस तरीके से अगर आप एक बार बनाएंगे ना तो बहुत ही जल्दी बहुत ही झटपट से बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये लीजिए, तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है, बहुत ही टेस्टी लग रही है, और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी होती है, तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो लीजिए बनकर तैयार है बहुत ही टेस्टी बहुत ही यमी सी आलू गोभी की रेसिपी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अगर आपने नहीं किया है तो एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।